जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक ट्री चॉपर की स्टोरी है। वियतनाम का एक ट्री चॉपर है, अभी न्यू स्टोरी है, फ्रेश स्टोरी है। वियतनाम का एक यंग ट्री चॉपर था जो कि ट्रीज को कट करता था, उसके बाद जो है वुड है उसको जाकर सेल करता था, फिर प्रॉफिट अर्न करता था। तो वो बड़ा फुर्तीला था, वेरी एक्टिव था और बड़ा स्ट्रांग था। तो बहरहाल वो जाकर अपने ही जंगलात के ट्रीज को चॉप करके उनको वो सेल करता था। खैर, उसकी जिंदगी ऐसे गुजर रही थी। एक दिन जो है वो उसके गांव में एक नेचुरल डिजास्टर आया, फ्लड आया। फ्लड की वजह से उसका पूरा घर डूब गया, बड़ा नुकसान हो गया। तो फिर उसने थोड़ा सा सोचा बैठ के कि हम लोगों के साथ भी जो है वो अगर कोई चीज़ बुरी हो जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो फिर उसने सोचा कि हम ये जो ट्रीज को चॉप कर देते हैं, ट्रीज को काट देते हैं, तो उसका भी जाकर कहीं ना कहीं रिएक्शन जरूर होता है। अगर ये ट्रीज होते तो शायद वो ट्रीज इस फ्लड को, पानी को ब्लॉक कर देते और पानी शायद मेरे घर तक नहीं पहुंचता। मगर सारे के सारे ट्रीज मैंने चॉप कर दिए, इसलिए वो पानी जो है वो सीधा डायरेक्टली मेरे घर तक पहुंच गया। मेरा घर जो है वो पूरे का पूरा डेवेस्टेटेड हो गया, तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर उसने तौबा कर ली कि आइंदा मैं किसी भी ग्रीन प्लांट्स को, ग्रीन ट्रीज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो घूम फिर कर जो हम चीज, कोई भी चीज हम जो गलत करते हैं, वो घूम फिर कर हमारे तक ही पहुंच जाती है। तो जैसी करनी वैसी भरनी।